सकते हैं क्या, जिस तरह अपना काम खत्म होगा लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें और गूगल मीट का लिंक हमारा लाइव रहे और बाद में फिर उसी उसको जो है गूगल मीट के लिंक को उसी सेम लिंक को दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग में ले लें। हेलो सुनोगे तो फिर ठीक है, फिर मैं आप 10 बजे से निकल लूँगा यहाँ से, 10:30 बजे आपके पास आ जाऊँगा, फिर चलते हैं, अपना बैग पैक कर लियो और रोटी पानी जो भी बनाना है वो बनवा लियो पहले, आगे खाए ना पहले बना के रख लियो केक पर पकड़ी तो ताज़ी रोटी बनी खाया करके।
11 का दिया है। हाँ जी बहुत बढ़िया जी। 10 से स्टार्ट होगा, 10:30 हो पहले खत्म हो पता नहीं। हाँ वो मतलब कि वो कह रहे थे शाम से फोन आया था। 10 से 10:30 मुक्तियाँ कर लेगा जी, 10:30 के बाद मतलब आधे घंटे। मैंने क्या बताना, मैंने तो रूल्स बताने एग्जाम के बता दूंगा। ठीक है एग्जाम SIET मैकेनिकल वो थी ना, एक वो लड़का था जो था गोरा गोरा, उसकी नहीं
स्टूडेंट जल्दी ज्वाइन करो, ओनली 35 स्टूडेंट्स ज्वाइन द मीटिंग। यूट्यूब ब्रांच कौन है भाई? जो भी है अपने आईडीज जो है अपने नाम से बनाए यहाँ पे। अगर आपने चेंज करना अपना नाम तो अपना ईमेल आईडी चेंज करें। हाँ जी ओके 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 श्याम सुंदर सर श्याम सुंदर सर आर यू सर ऑर्गेनाइज आप कर रहे हो ना? तो अभी 64 बच्चे हैं जिसमें हम लोग भी बैठे हैं, तो लगभग 60 के आसपास बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे आएंगे इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, भाई साहब कमल जी कोई बात नहीं, आप लोग मत बोलो क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन होती है बीच में, तो जस्ट आप सभी लिस्ट में सुनेंगे। भाई साहब कमलजीत मोतिया, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आई हैव अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस and about 3 years of experience in the industry before that job. Or I am working here also as a OI exam. So exam से related जो भी query होंगी वो सभी मैं deal करूँगा यहाँ पे। तो आप लोगों का जैसे अभी आप first year में join किए हो, तो अभी
आपको जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम दोगे आपके लगभग मार्च के मिडल में आपके एग्जाम होंगे, तो मार्च के मिडल में आपको मेरे साथ इंटरेक्शन होगी, और जब तक आप पुलिस से पास आउट नहीं हो जाते लगभग 4 साल आपको एग्जाम ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिससे आपको हमेशा से ही इंटरेक्शन होती रहेगी, ठीक है। और जब तक हम यहाँ पे हैं तो मुझसे भी आपकी इंटरेक्शन होती रहेगी। तो हमारे यहाँ एग्जाम ब्रांच जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है, आपका जो जो भी मोस्टली। हाँ जी मैडम, ओके, कोई बात नहीं, कैमरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो एग्जाम ब्रांच जो है वो लगभग 4 साल आप लोगों के साथ डील करेगी, और जब आप लोग इस कॉलेज से निकलोगे तो भी आपको एग्जाम ब्रांच ही एक डिग्री, प्रोविजनल डिग्री देके भेजेगी। और कॉलेज का जैसे अभी फर्स्ट बैच निकला है तो हम कोशिश करेंगे कि कन्वोकेशन भी हर साल हो, जिसमें आप लोगों को जो मेन डिग्री है वो भी अच्छे ब्लैक कोट डाल के और काली टोपी डाल के मिले सभी को, जिसमें हमारे सारे ऑफिस का स्टाफ होगा और हमारे डायरेक्टर सर होंगे, डायरेक्टर जनरल भी होंगे, इनवाइट करेंगे हम उन सभी को। तो इस तरह से आपका एग्जाम ब्रांच डील करेगी। तो आप लोगों को अभी जैसे मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो आप लोगों का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है किसी भी कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। आप लोगों ने एडमिशन लिया है, अभी आप लोगों ने अपनी डिटेल्स भरी होंगी ऑनलाइन ऑफलाइन या जो भी आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए गए होंगे, एडमिशन फॉर्म भरवाए होंगे, उनमें आप लोगों की डिटेल भरी गई होगी, ठीक है। उस डिटेल में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने अटैच करे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे, एक तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका सबमिट करना होगा, जो भी अपने बच्चे पास आउट हुए हैं चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या 10+2 होल्डर्स हैं, वो अपने अपनी स्कूल से या कॉलेज से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर ले लेंगे। मोस्टली जो बाहर के बच्चे हैं, मतलब सीबीएसई बोर्ड और बिहार या J&K, मतलब आउट ऑफ हरियाणा के बच्चे हैं, उनको थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा मस्ट है। जब तक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट नहीं होगा तब तक आप एक यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के छात्र आप तभी बन पाओगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, जो आप लोगों ने जितनी भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं उसमें एक-एक अक्षर जो बिल्कुल आपकी स्पेलिंग का है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहीं पे भी एक वर्ड मिस कर दिया और उसके बाद आपकी कोई मिस्टेक हो गई, तो जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर कोई जो मिस्टेक हो जाती है या जो हम फिलअप करते हैं ऑनलाइन, तो उसका जो डाटा है वो हम लोग फिलअप करते हैं आपके डॉक्यूमेंट से देख के, और एक बार ही आप लोगों से करेक्शन भी देखें मांगेंगे कि इसमें किसी की कोई करेक्शन तो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर एक बारी जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है और अगर उसके नाम में, उसके फादर नेम में, उसके मदर नेम में कोई भी गलती हो जाती है तो वो बड़ी ही टफ हो जाती है उसको फिर दोबारा से ठीक करवाना। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान से, जब भी आप लोगों से डाटा मांगा जाए चाहे आप 5 मिनट फालतू लगा देना उसमें, तो आपको अपना जो डाटा देना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी नाम हो गया, आपका फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ये 4-5 चीजें तो बिल्कुल मैंडेटरी हैं जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बताओगे। बाद में कोई ये नहीं कहेगा सर मेरा ये अक्षर रह गया, सर इसमें शीरी नहीं लगना चाहिए था, आपने शीरी लगा दिया। ये सब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि हम लोग आप लोगों से एक बार रजिस्ट्रेशन के टाइम पूरा डाटा चेक करवाएंगे, और जब चेक करवा के सबमिट हो जाता है एक आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड इश्यू होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोग अपने पास रखेंगे जब तक आपका यहाँ से पास आउट नहीं हो जाते या जब तक आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते। रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होगी, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ही आपका सब कुछ, सारी डिटेल उस यूनिवर्सिटी के अंदर फिल होंगी। जैसे आपका आधार कार्ड बन गया ना, कि आधार कार्ड के अंदर आपकी सारी डिटेल्स हैं, उसी तरह
यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको हमेशा साथ रखना पड़ेगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आपसे हमेशा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन कार्ड के बाद, एक मिनट होल्ड करना। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कार्ड के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे, उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस होगा, एक हमारी एग्जाम, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था, ये एडमिशन ब्रांच की बात बता रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो होता है। एडमिशन ब्रांच का लिंक आपका यहाँ तक रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन करा के यूनिवर्सिटी में वो एग्जाम ब्रांच को देगी। उसके बाद एग्जाम ब्रांच में काम पड़ता है आपका। एग्जाम ब्रांच जो है फिर से आपकी डिटेल मांगेगी। उसमें क्या होगा कि आपकी जो डीएमसी के ऊपर नाम प्रिंट होता है, वो 99% तो वही प्रिंट होता है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिजिटल है तो सारा डाटा वहां से रजिस्ट्रेशन ब्रांच से एग्जाम ब्रांच के पास आ जाता है। तो जो आपने डाटा फिल वहां कराया था, सेम डाटा आपके डीएमसीज के ऊपर प्रिंट होगा। जितने भी हमारे यहाँ के रेगुलर बच्चे हैं, जो भी रेगुलर पेपर देते हैं विदाउट री अपीयर, उनकी जो एग्जाम फीस है 1500 रुपए पर सेमेस्टर होती है, जो कि आपकी सेमेस्टर फीस के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। वो आपसे सेमेस्टर फीस के साथ ही ले ली जाती है, अलग से आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और रेगुलर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप रीअपियर का एग्जाम फिल कर रहे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा फीस होती है, वो किसी सेमेस्टर फीस में इंक्लूड नहीं होती। अगर आपकी रीअपियर आ जाती है और आप रीअपियर अप्लाई कर रहे हो, तो वो फीस हमारे यहाँ अकाउंट ब्रांच में विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड पीओएस मशीन की सहायता से जमा होती है। और एक चीज और बता दूं कि कॉलेज में, पूरे कॉलेज में कहीं पे भी कोई भी पेमेंट करनी होगी तो कहीं पे भी कोई कैश नहीं लेगा, चाहे वो आप हॉस्टल में रह रहे हो तब, चाहे आप कॉलेज में कोई फीस जमा करा रहे हो, तो आपसे कहीं पे भी कैश पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मांगी जाएगी। आपके पास हमेशा अपना एटीएम होना चाहिए, और एटीएम की लिमिट बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं यहाँ पे, उनकी एटीएम की लिमिट कम होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद अपना एटीएम इश्यू जब कराएंगे तो उसकी एटीएम की विड्रॉल लिमिट 30,000 मिनिमम रखनी है आपको। वैसे 40,000 नॉर्मल एटीएम की होती है, 30,000 आपकी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 30,000 से ऊपर फीस कभी भी आपसे नहीं ली जाएगी सेमेस्टर की, 30,000 से नीचे की ही फीस ली जाएगी। तो आपका एटीएम जो है उसकी लिमिट आपकी 30,000 की बैंक से आप खुद करवाएंगे, क्योंकि बैंक जब शुरू में बच्चों के नाम का एटीएम इश्यू करता है तो उसकी लिमिट 20,000 तक ही रखी जाती है, या उससे भी कम। कई बार जो नोट सिंपल बैंक होते हैं, आप बिल्कुल कम पेमेंट पे खुलवाते हो खाता, तो बैंक जो है वो 10,000 लिमिट रखता है एटीएम की। तो आपको जब पेमेंट करनी होती है, उसको पेमेंट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, फिर आप किसी से मांगते फिरते हो और हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे को तो पेमेंट चाहिए, और लास्ट डेट निकल जाती है ऐसा करते करते, और आप लोगों के ऊपर फाइन पड़ जाता है। तो ये मैं आप लोगों को पहले दिन से ही कहना चाहता हूँ कि सभी अपना जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाए और उसका एटीएम लें, तो एटीएम की लिमिट आपकी 30,000 बिल्कुल रखवाएं बैंक से, उससे कम मत रखवाएं। क्योंकि एग्जाम फीस हमेशा आपकी 1500 रुपये ली जाएगी, 1500 रुपये पर सेमेस्टर है। जो मैं बता रहा हूँ रेगुलर स्टूडेंट की एग्जाम फीस होगी, वो आपकी सेमेस्टर फीस के अंदर ही इंक्लूड होगी। रीअपियर की फीस आपको अलग से जमा करवानी होगी, ठीक है? ये जो जो चीजें होगी, आपका रिजल्ट हमेशा ऑनलाइन आएगा जैसे ही आप एग्जाम दोगे। यूनिवर्सिटी आजकल डिजिटल हो गई और कोशिश करती है कि लगभग 1-1.5 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ जाता है। उसके बाद आपकी डीएमसीज प्रिंट होती हैं। डीएमसीज कभी भी स्टूडेंट को बाय हैंड नहीं मिलेगी कहीं से भी, यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से डीएमसी कॉलेज लेके आता है, कॉलेज यहाँ पे आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और फिर आपको री इश्यू कर दी जाती है डीएमसीज। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार बच्चों के कहते हैं, सर मेरा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था और मुझे री अपीयर अप्लाई री इवेलुएशन अप्लाई करना है। तो मैं आज ही बता दूं आपको कि री इवेलुएशन से एग्जाम ब्रांच का कोई भी लिंक नहीं है किसी भी टाइप का। अगर आपको री इवेलुएशन करवानी है तो उसके लिए आपको पर्सनली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, वहां पे री इवेलुएशन का फॉर्म होता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, और उसका जो रिजल्ट है
वो भी कॉलेज में नहीं आता, ना ही कॉलेज को प्रोवाइड किया जाता है। वो भी आप जो एड्रेस प्रोवाइड करोगे, आपके घर का एड्रेस या किसी यार दोस्त का एड्रेस, उसके ऊपर ही वो डीएमसीज आपकी जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपके पास वो रीवैल्यूएशन वाली डीएमसी आ जाती है और आपको लगता है कि हम उसमें क्लियर हो गए हैं, आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं, तो उसका रिकॉर्ड आप एग्जाम ब्रांच के अंदर डीएमसी लेके आएंगे, उसका रिकॉर्ड एग्जाम ब्रांच के अंदर अपडेट कराएंगे। क्योंकि एग्जाम ब्रांच के अंदर आपका जो नॉर्मल रिजल्ट आया होता है उसका रिजल्ट अपडेट होता है। अगर और एग्जाम ब्रांच टाइमली आपसे सभी को मैसेज भी करती रहेगी कि हमारे को आप अपनी रीवैल्यूएशन की डीएमसी या कोई किसी भी मोड में क्लियर हुआ है और जिसका रिकॉर्ड कॉलेज के पास नहीं है, अपना रिकॉर्ड कॉलेज में अपडेट कराएं। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको शुरू में तो नहीं आएगी, बाद में जब आएगी, जब आपको प्रोविजनल डिग्री इशू होगी, जब आप अपने रिकॉर्ड में क्लियर होंगे लेकिन हमारे रिकॉर्ड में आप क्लियर नहीं होंगे, तो हम आपको प्रोविजनल डिग्री इशू नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रोविजनल डिग्री इशू करने के लिए आपको अपना रिकॉर्ड टाइमली अपडेट करा देना है। जैसे ही आपके पास डीएमसी पहुंच जाती है रिवैल्यूएशन वाली, वो आप हमारे को सबमिट कराएंगे, उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल हम कभी भी नहीं लेंगे। जैसे ही आपकी ओरिजिनल हमारे पास भी आती है, हम नोटिस लगा के ब्रांच वाइज या जैसे भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासेस में जाके भी आपकी डीएमसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं, बिल्कुल स्पेलिंग, एक एक स्पेलिंग आप ध्यान से भरेंगे जब भी आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी जाएंगी। पर सेमेस्टर आपकी फीस जो एग्जाम फीस है वो 1500 रुपये होती है। रेगुलर जो बच्चे हैं उनकी सेमेस्टर के साथ ही ले ली जाती है फीस, और जो रीअपियर के बच्चे होते हैं उनकी अलग से फीस होती है। उसका उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भी अलग से होता है, वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम ब्रांच से मिल जाता है और आप यहाँ से उसको लेके फिल करके जो अकाउंट ब्रांच से में अपनी फीस जमा कराएंगे, और वो रसीद की कॉपी ओरिजिनल और ओरिजिनल रसीद की कॉपी आप एग्जाम ब्रांच में देंगे और फोटो कॉपी उसकी अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका जो ये डिटेल है इस तरह की होंगी। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी, अब बच्चे कहने लग जाते हैं सर कि अभी आज की डेट में भी जैसे बहुत सारे बच्चों का हमारे पास सर रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम ब्रांच टाइमली डील करती रहती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ कि सर रिजल्ट भेजो जल्दी से। तो जो जो भी अपडेट होता है साथ के साथ हम उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करते। जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आता है तो हम उसको साथ के साथ सभी स्टूडेंट्स को और आपके जो ओआईज हैं सभी को हम टाइमली बता देते हैं कि इस तरह से आपकी रिजल्ट आया है और आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो काइंडली सभी से रिक्वेस्ट होगी कि एग्जाम ब्रांच में बेवजह आके तंग ना करें, क्योंकि एग्जाम ब्रांच एक 24 ये मान के चलो कि 9 से 5 हर टाइम बिजी रहते हैं हम लोग, और एग्जाम ब्रांच के पास सबसे ज्यादा काम होता है। तो जो एग्जाम ब्रांच के जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको बेवजह आके प्लीज परेशान ना करें। अगर आपके बिल्कुल ही जेनुअन कोई चीज है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ हमारे यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर कम क्लर्क हैं श्री कुलदीप जी, उनसे आप बात कर सकते हैं। बेवजह किसी और को तंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सादगी से बिल्कुल तरीके से काम होता है। कोई भी मतलब अगर आप लोग बार बार आके झुंड बना के आओगे या कोई गलत बात करोगे तो आपको सभी पता है कि किसी को भी गुस्सा आ सकता है। ठीक है, तो काइंडली सभी अच्छे घरों से हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे करेक्टर के हैं, तो सभी अपना एक अच्छा नजरिया यहाँ पे पेश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप पे नंबर आपको है ही है, कोई किसी की भी कोई क्वेरी होती है व्हाट्सएप पे मुझे भेजे, उसका रिप्लाई आपको उसी टाइम, वैसे तो कोशिश रहती है कि जब तक हम फ्री होते हैं या कई बार क्लास ले रहे होते हैं उस टाइम आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आपका उसी दिन के अंदर रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी क्वेरी इस तरह से सोल्व होगी, आपको इस पर्सन से कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और चीज है वो मैं कुलदीप जी से बोलता हूँ, 1 मिनट। आपको इसके अलावा कोई और कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेरी है, वो कुलदीप जी आपको क्लियर कर देंगे। कुलदीप जी प्लीज। मान सर इसके बाद आप रेडी रहना, हमारा 5 मिनट का और है, उसके बाद आप रेडी रहना। हाँ जी कुलदीप जी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग सर। माइसेल्फ कुलदीप सिंह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम क्लर्क हूँ बच्चों, यह गवर्नमेंट कॉलेज नीलोखेड़ी में। आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की, इन कॉलेज या आउट ऑफ कॉलेज एज ए इन यूनिवर्सिटी, तो आप मुझसे डील करेंगे उसके रिगार्डिंग। यूनिवर्सिटी में जितने भी वर्किंग है वो सारी मैं हैंडल करता हूँ, यहाँ पे भी एग्जाम की वर्किंग मैं हैंडल करता हूँ। मेरे से ऊपर अपने श्री कमलजीत मोदिया जी हैं, जो OI एग्जाम है, इनके अंडर में रह के हम सभी ये काम करते हैं। किसी की भी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्वारी है, किसी भी टाइम एनी टाइम आ सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप, सर ने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप झुंड में आओ, टाइमिंग है 1 to 2, या बीच में आपको ज्यादा ही इमरजेंसी है तो सर से डिस्कस कर लो, अदरवाइज या फिर मेरे पास आ सकते हैं, या फिर हमारे जैसे श्री मान सर जी हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उनको भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी अगर और कोई क्वेरीज है, सर ने आपको मेरे से पहले सब कुछ बता ही दिया कि यूनिवर्सिटी में कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे एग्जाम के फॉर्म का प्रोसेस है, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप एकदम से रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सबसे जो जरूरी चीज है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि उसके बिना आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये प्लीज आप केयरफुली और बिल्कुल करेक्ट टाइम से एडमिशन ब्रांच को बताएं, ठीक है, ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें, आपका रजिस्ट्रेशन कर सकें। रजिस्ट्रेशन के बाद वो डाटा सारा एग्जाम ब्रांच के पास आ जाता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की गलती से, समझो कि फादर नेम गलत हो गया, मदर नेम गलत हो गया, तो जैसे ही हम आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोवाइड करेंगे, विद इन अ मंथ, आपको एक महीने का टाइम होता है, आपको हमें उसी टाइम इन्फॉर्म करना है कि सर मेरा मदर नेम गलत है, मेरा फादर नेम गलत है, या मेरा नाम गलत है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अदरवाइज आपको उसका फाइन भी लगेगा। और कितने टाइम में वो करेंगे वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि फिर वो प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के हैंड पे होता है, हमारे हैंड पे नहीं होता। आपको जो भी करना है बिल्कुल करेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी रजिस्टर करें और आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। कोई एनी क्वेरीज है, कोई क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं, नहीं फिर हमारे मुकेश मान जी हैं वो बात करेंगे आपसे। एक मैं और बताना चाहूंगा, आपके मोस्टली एग्जाम 75 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और आपका 25 मार्क्स के इंटरनल एग्जाम होते हैं, उसके अलावा 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वाइवा या 60 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा आपकी एक ट्रेनिंग होती है, इस बार से जो लास्ट ईयर से जो सिलेबस आया है, नया यूनिवर्सिटी का कैलेंडर आया है, उसमें आपकी हर इवन सेमेस्टर खत्म होते ही आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हैं, तो आप लोगों को ट्रेनिंग्स भी करनी होंगी टाइमली, आप क्योंकि वो आपके हेड्स HODs जो भी हैं वो आपको टाइमली बताते रहेंगे, तो उसका रिकॉर्ड भी आपको अपने हेड्स के पास टाइमली सबमिट करना होगा। एनी क्वेरी, मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूं, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो एक एक करके पूछे सर, एकदम नहीं सभी। सर आपने कहा था मार्च में एग्जाम है, हाँ जी, तो सर वो कौन से एग्जाम है, मिड सेम है फाइनल? नहीं, फाइनल एग्जाम होते हैं मिड सेम, आपके टीचर्स साथ के साथ लेते रहेंगे, बीच में जैसे 2 चैप्टर खत्म हो गया वो मिड सेम आपके टीचर्स आपके लेते रहेंगे, फाइनल एग्जाम होंगे आपके मार्च में। ठीक, मार्च में कब सर, स्टार्टिंग में या आखिरी छे में? ये नहीं बता सकते, यूनिवर्सिटी ने जस्ट ये हमारे को बताया कि मार्च में होंगे, अब ये मार्च हो सकता है 15 मार्च के बाद हो, ठीक है, लेकिन आप ये रखो कि 10 मार्च तक आपका सभी का सिलेबस खत्म हो जाए, आपके आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए। हाँ जी, इसके अलावा सर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ये कब वहाँ पे आके देना है? अभी आपके जो DMC आएंगे, आपके स्कूल कॉलेजेस जो आपको माइग्रेशन भेजेंगे पर्सनली, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनली जमा होता है, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल ही जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई फोटोकॉपी या फोटो नहीं जमा होती, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और एक और चीज, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक बार यूनिवर्सिटी में जमा हो गया तो कॉलेज उसको कहीं से भी वापिस नहीं देगा, ना ही आपको यूनिवर्सिटी जमा वापिस देगी, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं, किसी भी रीजन से कोई बाहर चला गया या किसी घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो कहते हैं सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट वापस दे दो। एक बारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब जमा हो जाता है तो कॉलेज का कोई रोल नहीं होता माइग्रेशन सर्टिफिकेट को वापिस देने में, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपना
जमा कराने के बाद यूनिवर्सिटी में से ही वापस ले सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी भी आपको वापस करेगी, क्योंकि एक बार जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हो तो यूनिवर्सिटी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगी, ना कि आपका वो 10+2 वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगी। यूनिवर्सिटी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगी, चाहे वो उस पर ये लिख के देगी इस बंदे ने बीच में छोड़ दिया है और इस वजह से हम यहाँ ये यूनिवर्सिटी से चेंज करना चाह रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी की वो है। फिल करके देना है और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, वो आपको एडमिशन ब्रांच अभी मैसेज कर देगी, जल्द से ही वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करेंगे, आपसे एडमिशन ब्रांच मांग लेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट कोशिश करो कि सभी के रेडी हो, आप लोगों के पास हो। सर अकाउंट अपना होना जरूरी है या फिर पेरेंट्स के भी अकाउंट से काम चल जाएगा? अपना होने के लिए आपको सिर्फ तब जरूरी है जब आप कोई रिफंड ले रहे हो, क्योंकि रिफंड आपके पेरेंट्स के खाते में नहीं आएगा, ठीक है, वो आपके अपने अकाउंट में आएगा। पेमेंट आप किसी भी के भी एटीएम से कर सकते हो, पेमेंट हमारे को किसी के भी एटीएम से कर सकते हो, उसके लिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी तरफ से रिफंड मिलेगा वो आपके अपने अकाउंट में मिलेगा, आपके पेरेंट्स के मदर के किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा। ओके सर। सर एक अभी हमने हेलो आकाश बोलो पहले सर, जैसे अभी हमने वो नॉर्मल फी पे करी है एडमिशन वाली, तो हॉस्टल फी का क्या प्रोसीजर है? हॉस्टल फीस जैसे ही आपके हॉस्टल खुलने क्या आपके पास नोटिस आएगा या सरकार से जब गाइडलाइंस आएंगे कि आपके ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो हॉस्टल में जब कोई बच्चा लेना चाहता है तो एप्लीकेशन देगा और स्टार्टिंग में 10,100 रुपए फीस लगेगी, जिसमें आपकी 4,000 रुपए रिफंडेबल होगी और 6,100 रुपए जो फीस है वो आपकी एक सेमेस्टर का रूम रेंट है, प्लस बिजली का किराया, प्लस रूम रेंट, प्लस हॉस्टल मेंटेनेंस, वो सारा आपके उसके अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप खाते हो वो आपकी डाइट अलाउ होगी, हमारे यहाँ 50 रुपए से ऊपर तीनों टाइम की डाइट कभी भी नहीं जाती, तीनों टाइम आप भर पेट 50 रुपए में अच्छा भोजन कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल घर की तरह, आपको फील नहीं होगा कि हमारा घर हम घर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव मैस है, बच्चों के द्वारा चलाई जाती है, बच्चों की होती है, इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होता, तो आपकी जो मैस है वो कोऑपरेटिव है, आपको खाना अच्छा ही मिलता है। सर एक और लास्ट, अभी हमने 30,000 के आसपास ये फॉर्म वो पैसे दिए हुए हैं और वेबसाइट पे 44,000 के आसपास लिखा हुआ है, तो बाकी पैसे कब सबमिट होने हैं? आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगा तब जमा होंगे। वो फाइनल पेपर के बाद स्टार्ट होंगे, मतलब मार्च के बाद? जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर, चाहे वो जुलाई में स्टार्ट हो चाहे वो अप्रैल में स्टार्ट हो, जब भी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको वो बैलेंस फीस जमा करानी होगी। एंड सर अभी वेबसाइट पे मेंशन है कि NSS और NCC लिखा हुआ है, हाँ जी, तो NCC के बारे में कुछ खास नहीं लिखा वेबसाइट पे, उसके बारे में बताएंगे? खास इसलिए नहीं किया हुआ कि हमने NCC के लिए अप्लाई किया हुआ था और हमारे को जो NCC की तरफ से एक कोर्स शुरू करने की वो मिली थी परमिशन, बट वो पेड थी, तो हम लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्री वाली मिल जाए, और 95% उसमें हम कामयाब भी हो चुके हैं कि हमारे को NCC अब फ्री वाली मिल जाएगी, लेकिन अभी जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं आ जाता तब तक हम उसको डाल नहीं सकते, इसलिए हमने उस पर ज्यादा डाला नहीं है। तो इस सेमेस्टर NCC आने के चांसेस हैं? 99%। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और कौन पूछ रहा था? ये अभिषेक हिंदुजा। सर हमारे एग्जाम ऑफलाइन होंगे? भाई जैसे वैक्सीन आ गई है और सरकार ने कोई ऑर्डर कर दिया है तो ऑफलाइन ही होंगे 100%, ठीक है, और जहां तक मेरी इंट्यूशन है आपके एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। ओके सर, तो सर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो सकता है? यार आपके 31 तारीख लास्ट डेट थी आपकी एडमिशन की, ठीक है, और 5 तारीख हमारे पास अपडेशन की डेट थी, तो आज हो गया हमारा वीरवार, कल हो गया शुक्रवार, ठीक है, और 2 दिन आपकी छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे, तो मंडे से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कितने टाइम तक चलेगा सर वो एडमिशन? वो हमारा ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ वो तो ऑनलाइन हो जाएगा, 15 से पहले ही होगी वो, तो 15 तारीख से पहले खत्म करना है उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बट सर अभी आपने कहा था कि माइग्रेशन के लिए हमें फिजिकली उसको सबमिट करना पड़ेगा,
हाँ माइग्रेशन आपसे बाद में मांगेंगे, अभी नहीं मांग रहे, उसके लिए अलग से टाइम मिलता है। ओके सर। सर ये जरूरी है कि माइग्रेशन अगर एक बार जमा करवा दिया फिर वो वापिस नहीं होएगा? नहीं, वो ये 100% जरूरी है कि वापिस नहीं होगा। सर फिर वो ओरिजिनल देना जरूरी है या फोटोकॉपी कलर चल जाती है? जैसे आप दूसरे देश में जाते हो ना तो आपको सारा कुछ ओरिजिनल जमा करना होता है, तो यही चीज है। तो यूनिवर्सिटी जब चेंज हो रही है वो ओरिजिनल ही जमा होगा, डुप्लीकेट पे कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि मान लो आप सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हो, अभी तक आप जैन आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, अभी तक आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, वहां पे रजिस्टर्ड हो, जैसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट इधर हो गया, आप माइग्रेट होके इधर आ गए तो आप यहाँ के स्टूडेंट हो जाओगे, माइग्रेशन जमा कराते ही वो आपका कैंसिल हो जाएगा। सर अगर कोई मांगे मतलब? नहीं मिलेगा, वो मैंने आपको पहले क्लियर बोल दिया। ठीक। और सर मैथ्स का क्या हिसाब है? बता तो दिया यार, अभी बार बार हर बच्चे को बताऊंगा क्या? नहीं नहीं सर, जैसे आपने कहा 50 रुपीज, तो वो सर एक साथ जमा करवाने या जैसे पर पर्सन? आप लोगों का पर मंथ का अप्रोक्सीमेटली खाने का 1500 से 1600 रुपए आता है, अगर आप पूरे मंथ खाते हो तो। वैसे हम 80% हर बच्चे का लेते ही लेते हैं, ये नहीं है कि सर मैंने 2 दिन खाया या 3 दिन खाया, तो हम मान लो 24 एक महीना पूरा खाया किसी बच्चे ने, ठीक है उसे तो पूरा ही लेंगे, और अगर किसी ने 5 दिन खाया 7 दिन खाया उसे 24 दिन का लिया ही जाएगा, ये भी है। ये नहीं है कि सिर्फ उसने 5 दिन खाया तो 5 दिन के लेंगे, नहीं, उससे 80% ली ही जाएगी डाइट। ठीक है सर। सर अगर एडमिशन कैंसिल कराना होता है तो यूनिवर्सिटी अपना खुद का नया माइग्रेशन देगी ना? हाँ जी हाँ जी। ओके सर। मुकेश सर, सर प्रॉपर क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? ये हम भी नहीं कह सकते भाई, ये तो सरकार ने करनी है, आज कर दे कल कर दे, वैक्सीन आ गई है, अब वैक्सीन आ गई है तो क्लासेस भी स्टार्ट ही हो जाएंगी। नहीं सर ऑनलाइन कह रहा हूं मैं, ऑनलाइन प्रॉपर नहीं लग रही सभी सब्जेक्ट की। प्रॉपर लग जाएंगी, मंडे से लग जाएंगी, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा था ना, इस वजह से नहीं लग पाई थी। वो आपको श्याम सुंदर सर बता देंगे अभी, क्योंकि प्रॉपर आपकी इसलिए नहीं लग पाई थी क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। 31 तक तो आपका एडमिशन प्रोसेस था, 5 दिन आपके अपडेशन के थे, इस वजह से प्रॉपर नहीं लग पाई थी। एक सर ये वेबएक्स पे जो सेमिनार चल रहा है इसको कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उसको इसके बारे में आप श्याम सुंदर सर या नरेश ग्रोवर सर से बात करना, क्योंकि वो लोग इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। वो ज्वाइन करेंगे अभी कुछ ही देर में। हां जी हेलो सर, मेरा थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे उस मीटिंग को, वो आप श्याम सुंदर सर बता देंगे अभी आपको। सर एक्सक्यूज मी, मेरे को आपसे पूछना है। बोलो सर, मैंने ना कॉलेज आना है तो मैं आपको अपनी माइग्रेशन दे दूं? हाँ जो बच्चे आए हैं वो दे के चले जाएं, यहाँ पे मुझे नहीं देनी, वो नरेश ग्रोवर सर हैं आपके एडमिशन इंचार्ज, उनके पास जमा होगी तो सभी आप अपना वहां जमा करा सकते हैं। नो, सैटरडे संडे ऑफ होता है, आप मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन आ सकते हैं वर्किंग डे में, और गवर्नमेंट जो हरियाणा गवर्नमेंट की छुट्टी होगी उस दिन भी नहीं आना। मुकेश सर आप कंटिन्यू करो। हाँ जी हाँ जी ठीक है। आपकी आवाज गूंज रही है सर। हेलो, आवाज गूंज रही है सर आपकी। अच्छा मैं थोड़ा दूर करता हूँ इसको। हाँ जी हाँ जी। हेलो अभी गूंज रही है सर? थोड़ी कम है अब। ठीक है चलो बोलो आप बोलो। चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑल वेल? हेलो
यस सर हेलो ओके यस सर कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बेटा। चलो ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी डिस्कस करूंगा आज आज एनएसएस की, ठीक है। तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूं, और ये जो आप अभी एक बच्चा डिस्कस कर रहा था ना कि सर हमारे यहाँ पे एनसीसी और एनएसएस कौन सा है, तो एनसीसी का तो सर मैं आपको बता ही दिया था कि फ्री ऑफ द कॉस्ट वो ट्राई कर रहे हैं अगर मिल जाए तो, बट एनएसएस हमारे यहाँ पे वर्किंग है, एनएसएस अभी चल रहा है। तो एनएसएस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर से, ठीक है। तो तब तक थोड़ा सा मैं आपको एनएसएस के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि एनएसएस क्या है, क्या काम करता है और कौन कौन बच्चा उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ये पीपीटी, पीपीटी दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर दिख रही है। तो यस सर, तो जो एनएसएस है इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। तो जो इसका लोगो है, यूनिटी इज द सीक्रेट ऑफ द सोशल प्रोग्रेस एंड सर्विस टू सोसाइटी इज टू मींस टू प्रमोट इट, यानी कि अगर हम ब्रीफ की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो जो नेशनल सर्विस स्कीम है इसका जो जॉब्स है, काम है कि ये दे हेल्प आउट टू द अदर पीपल्स, दूसरे लोगों की मदद करना, ठीक है, एज ए वॉलंटियर। जैसे आप लोग देखते हो ना कि भाई कोई कोई सोशल वर्क हो रहा है उसमें वॉलंटियर काम कर रहे हैं। सपोज करो आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई आपने गुरुद्वारा देखा होगा तो उसमें बहुत सारे वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, लंगर के अंदर काम कर रहे होते हैं, किसी और सोशल वर्क के अंदर, किसी धर्मशाला के अंदर, या और कोई भी ऐसा जैसे नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे कोई लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या था, हेल्प आउट टू द अदर पीपल, दूसरे लोगों की मदद करना, बेसिकली दैट इज द सम मोटो ऑफ दैट एनएसएस, ठीक है। तो देन व्हाट इज द एनएसएस, ये लॉन्च हुआ था 24 सितंबर 1969 को, स्टार्टेड इनिशियली इन द 37 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्विंग 40,000 वॉलंटियर्स एट दैट टाइम। नाउ 2.6 मिलियन वॉलंटियर्स स्प्रेड ओवर द 200 यूनिवर्सिटीज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन मींस 26 लाख लोग काम कर रहे हैं अभी तक वॉलंटियर्स हैं। तो सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, हां बोलो सर, आपकी प्रेजेंटेशन YouTube लाइव पे नहीं आ रही है। YouTube लाइव पे वो तो मैंने शेयर ही नहीं किया बेटा, मैं तो इस पे ये क्या नाम है, मैं तो इस पे दे रहा हूं इसको गूगल मीट के ऊपर। पता नहीं सर, मैकेनिकल वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि YouTube पे वो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है। एक सेकंड होल्ड करना मोतिया सर, बेटा YouTube का तो मेरे को पता नहीं, मेरे पास जो लिंक था, जो लिंक मेरे पास आया था वह हेड सर की तरफ से, मैं उसी लिंक के ऊपर आप लोगों को इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा था। ओके सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ठीक ठीक ओके। तो एनएसएस का था कि 24 सितंबर नेशनल सर्विस स्कीम दैट इज लॉन्च्ड इन 24 सितंबर 1969 इनिशियली, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब नाउ 2.6 मिलियन वॉलंटियर्स स्प्रेड ओवर द 200 यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है, ये जो आपको जो स्टार्टिंग में आपका सिंबल बताया था, तो सिंबल्स में जो जो कलर है, जो जो ये बैजेस हैं इसके, ये वो है जो पिलर्स हैं इसके, स्पोक्स जिसको तुम व्हील का जो स्पोक्स होते हैं ना, वो जो 8 स्पोक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो स्पोक्स का क्या है, एक सिंबल क्या है कि रेड जो रथ व्हील ऑफ द वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेंपल, ये वहीं से लिया गया है, जो कोणार्क वाला जो सूर्य का जो मंदिर है वहां से इसको लिया गया है। द व्हील पोर्ट्रेट्स द साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो व्हील है क्या बता रहा है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, यानी कि बनाना क्या है, अवेयरनेस क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है, रिलीज द सिग्निफाइज द मोमेंट इन द लाइफ अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, यानी कि अगर इसको ब्रीफली बात की जाए तो हमें ये जो व्हील है ये बताया जाता है कि भाई ये एक उसका प्रतीक है, कोई चीज हमने क्रिएट किया, क्रिएशन का है, प्रिजर्वेशन है यानी कि बचाना है क्या है, एंड रिलीज द सिग्निफाइज द मोमेंट ऑफ द लाइफ अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, यानी कि थ्रू आउट ऑफ लाइफ के अंदर आप लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। द सिंबल दस स्टैंड फ्रॉम द कंटिन्यूटी एज वेल एज, यानी कि क्या बताएगा कि भाई तुम्हें लगातार यू हैव टू वर्क कंटिन्यूटी एज वेल एज चेंज, जो तुम्हें लाइफ के अंदर जो चेंजेस आनी है, एंड इंप्लाइज द कंटिन्यूस स्ट्रिविंग ऑफ एनएसएस फॉर द सोशल चेंज, यानी कि तुम्हें क्या करना है ये बताता है कि आपको लगातार आपको एज ए एनएसएस का वॉलंटियर वर्क करके कम्युनिटी के अंदर क्या आप चेंजेस ला सकते हो, वो आप लोगों को क्या नाम है करना होता है इसके अंदर, ठीक है।
तो एनएसएसएस का ये बी ब्रिज है, ठीक है। अब इसमें है जितने इसके अंदर बार्स लगा लो या स्पोक्स लगा लो, द 8 बार्स इन द व्हील रिप्रेजेंट द 24 आवर्स ए डे, यानी कि बताता है कि मैं 24 घंटे काम करना है। द रेड कलर इंडिकेट्स दैट वॉलंटियर इज द फुल ऑफ यंग ब्लड दैट इज लाइवली, यानी कि क्या बताता है, रेड कलर क्या कहता है कि भाई जितने यंगस्टर्स हैं जिसके अंदर रेड वो है, जो जो जी रहे हैं, जो यंग ब्लड है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो यंग ब्लड है दैट इज द फुल ऑफ एनर्जेटिक, उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है, ऑल द जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो सारे यंग होते हैं, ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, तो क्या कि वो अपनी एफिशिएंसी है जो मैक्सिमम दे कैन पुट फॉर द सोसाइटी, वो अपनी समाज के लिए कर सकता है, लगा सकता है, ठीक है। द नेवी ब्लू कलर्स इंडिकेट द कॉस्मोस ऑफ विच एनएसएस इज टिनी पार्ट रेडी टू कंट्रीब्यूट इट्स शेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, यानी कि आदमी की भलाई के लिए वो जो नेवी कलर है वो इंडिकेट करता है कि भी आदमी की भलाई के लिए एनएसएस कितना हर टाइम 24 आवर्स काम करके कितनी वो हेल्प आउट कर सकता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, यानी कि वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए, यानी कि मानवता वो सब का ब्लू कलर कुछ बता रहा है, रेड कलर आपको इंडिकेट कर रहा है, 8 बार आपको कुछ और इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट, तो एम्स क्या है एनएसएस के, एनएसएस का है नेशनल सेविंग सर्विस स्कीम के एम्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, यानी कि आपको एक समाज को बांधना, समाज के हिसाब से काम करना, ताकि वो समाज की डेवलपमेंट के लिए वो काम कर सके, वो एनएसएस का जो एम है, द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स है, सोच करो आप गांव के अंदर लगा लो या कहीं के ऊपर लगा लो, तो एनएसएस वाले जो जाते हैं स्कूलों में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, उनके ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज करवाना है, या कोई कम्युनिटी के लिए पेड़ लगाने हैं, स्टार्वेशन जो भूखमरी है उसमें कोई हेल्प करनी है, कोई बच्चे ऐसे हैं कि जो गरीबी की वजह से जो नहीं पढ़ने आ पा रहे उनके लिए जाना है, उनको कैंप में एजुकेट करना है, तो मींस आपको एक यंग बच्चा एक एज ए बीइंग ए स्टूडेंट वो कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता है, ये सब एनएसएस का एक एम है। एक एनएसएस वाले जो बच्चे हैं वो ये काम करते हैं और उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा उनको एनकरेज किया जाता है उनको इसको ज्वाइन कराने के बाद, ठीक है। तो एम ऑफ द एनएसएस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू कम्युनिटी सर्विस। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल सर्विस स्कीम इज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1969, ऑलरेडी बता चुका हूं, टू बिल्ड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जो हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है, हम बोलते हैं ना सारे के सारे, हमारे जो पहले फ्रीडम फाइटर थे हमारे, या जो हमारे रिनॉर्ड पॉलिटिशियंस हैं, या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई यू हैव टू डू विद समथिंग विद योर कम्युनिटी, आपको अपने समाज के लिए, क्योंकि कोई भी कंट्री तब डेवलप करता है जब उसका यंग ब्लड इज ऑन द फुल थ्रॉटल, यानी कि वो अपनी पूरी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कंट्री की डेवलपमेंट की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है, जो गरीब आदमी है, जो लाचार लोग हैं, या जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या जो जा नहीं पा रहे हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना। जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन भी आलसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक पेड़ लगाना, ग्रीनरी क्रिएट करना, लोगों को बोलना कि भी पोल्यूशन कंट्रोल करो, जो गवर्नमेंट क्या नाम है जो कर रही है आज के टाइम पे कि फ्यूल एफिशिएंसी, आप ग्रीन एनर्जी, ये एनर्जी, उसके लिए लोगों को मोटिवेट करना, इट आल्सो द वन टाइप ऑफ द वर्क, मींस आप सोसाइटी की गुडनेस के लिए, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व द वन टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनएसएस वॉलंटियर, ठीक है। To build sense of the social responsibility through teacher and students involved in the constructive service. कौन सी service? Constructive means जो आप जो positive service है, जिसकी output आ सकती है, जो चीज बता सकती है, with the motto of not me but you, भी मैं नहीं तुम भी। अब मैं कहता हूं कि community के अंदर अभी कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई पढ़ भाई, स्कूल जा, क्यों नहीं जा रहा, गवर्नमेंट इतने सारा वो कर रही है, उसको प्रमोट करो। तो वो भी एक वन टाइप ऑफ द सोशल वो है, आप कम्युनिटी को इंप्रूवमेंट करने का वन टाइप ऑफ द वो है। जैसे करप्शन है, आप किसी को मोटिवेट करो, भाई नहीं करप्शन नहीं करना, भाई करप्शन गुण है,
आप कंट्री को खराब कर देता है, तो वो भी एक वन टाइप ऑफ द वो है, ठीक है। तो नॉट मी बट यू, एनएसएस वॉलंटियर्स वर्क इन द रूरल एरियाज, क्या करते हैं अडॉप्टेड विलेजेस, गांव को अडॉप्ट करना, जिसे कहते हैं गोद ले लिए भाई। अब जैसे पीछे स्कीम थी, प्राइम मिनिस्टर ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि भाई हर जो वो एमपी है या कोई भी एमएलए है, वो दो दो गांव गोद लो, उनको डेवलप करो, उनको हेल्प आउट करो, अपनी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट कराओ, ताकि सोशली कोहेसिस इम्प्रूव हो। बोलते ना कि अगर किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का, तरक्की का जो साधन है, जो रास्ता है, वो गांव से निकलता है। You have to improve that. You have to motivate them. उनको educate करो, उनको पढ़ाओ, उनकी उनको medical की के लिए और क्या नाम medical health awareness के लिए उनको motivate करो। हाँ भाई ठीक है, सुबह दौड़ना चाहिए, प्राणायाम करो, योग करो, pesticide वाला मत खाओ। ये this is the one type of that. मतलब मैं आप इसको इसके अंदर slide के अंदर clean के अंदर ये मैं अपने आपको वो नहीं कह रहा हूँ, but you have to do also that work also. That is the one type of the job responsibility. NSS volunteer work in the rural area, adopted villages and school to serving the cause of the society. यानी कि society को serve करने के लिए through survey. आप survey करो, कहाँ कहाँ का loopholes हैं, उनको वो fill करने की कोशिश करो, education करो, health awareness program चलाओ, ठीक है। This study involves in the identify the importance. Thus, this study involves in identify the importance, aims and objectives of the NSS in higher education. From creating social responsibility among the students. तो ये सारी की सारी आपकी students के बीच की social responsibilities हैं, ठीक है। फिर एक 3B model आता है कि भाई आपका कैसे होना चाहिए, belief होना चाहिए, आपके खुद के अंदर belief होना चाहिए, behavior कैसे होना चाहिए, business क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर skills है, skills के बारे में क्या बोलता है, डिजाइन टू बैलेंस नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल्स, यानी तो बैलेंस नॉलेज, नॉलेज भी ठीक होना चाहिए और उसका एटीट्यूड भी ठीक होना चाहिए, उसके अंदर स्किल्स भी ठीक होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अभी कहते हैं लाइफ स्किल क्या है, एजुकेशन टू पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी। अब क्या टू फाइट पॉवर्टी, गरीबी से भी लड़ो, और वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी होता है आपका कमजोरी, वल्नरेबल, वल्नरेबल वल्नरेबिलिटी का एग्जांपल क्या है, सपोज करो अगर कोई आदमी क्या नाम है, उसकी कमजोरी क्या है, तो उसको दे हैव टू बी कम आउट ऑफ दैट ऑफ देयर वीकनेस, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी इन द पोटेंशियलिटी, पॉवर्टी इन द लिविंग कंडीशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका लाइफ स्किल क्या है, अब द फोर्स दैट स्ट्रेंथनेस द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू इवॉल्व, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टू प्रॉस्पर, यानी कि उसको प्रॉस्पर मीन्स जो प्रोस्पेरिटी बोलते हैं ना, खुशहाली दिखनी चाहिए। ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ द नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल्स, तो लाइफ स्किल क्या बोलती है, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए जो हमें स्ट्रेंथ करे, किसको, इंडिविजुअल, हर आदमी की डेवलपमेंट के लिए। वो अब उसने क्या क्या करना है कि वो खुश भी रहना चाहिए, उसका नॉलेज भी प्रॉपर होना चाहिए, और उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि दैट कि वो अपनी जो उसकी खुद की वो बिलीफ है, खुद का जो नॉलेज है, जो खुद का एटीट्यूड है, वो ताकि दूसरों को ट्रांसमिट करे, ताकि उनके अंदर डेवलपमेंट आए, ठीक है। तो अब ये है आपका टाइप्स ऑफ लाइफ स्किल्स क्या है, थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, इमोशनल स्किल तो कोई टेक्निकल इश्यू आ गया होगा, एक मिनट देख रहे होंगे सर, बंद हो गया बीच में। यस सर, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि भी आपको, हेलो क्या कह रहे हो बच्चे, बंद हो गया था सर ना थोड़ा, मैं इसलिए बच्चों को बोल रहा था कि एक मिनट वेट करना। अच्छा ओके, ये सर एक एक्चुअली मैं वो नेक्स्ट मोबाइल से चला रहा हूं ना सर, कोई मैसेज या कुछ आता है तो फिर एक मिनट के लिए कम्युनिकेट हो जाता है, मैंने वो फोन वो काट दिया था मैंने, ठीक है। तो लाइफ स्किल में आपके सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी सोशल स्किल्स के अंदर आती है। थिंकिंग क्या है, भाई आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करो। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि भी सडन डिसीजन लो, ऐसा नहीं कि भी मैंने सपोज करो यहाँ से कुरुक्षेत्र जाना है
और मैं सोचने लग जाऊं जाऊं ना जाऊं तो भी यू हैव टू डिसाइड भाई आप जाओ या जो या ना जाओ। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, उसको क्रिएशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि वो हर चीज को मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए बेसिकली। क्रिटिकल थिंकिंग कि भाई वो किस सिचुएशन के अंदर क्या सोचता है। अब इमोशनल स्किल्स क्या है, कोपिंग विद स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस के साथ कैसे फाइट करना। कई बच्चे एंग्जायटी के अंदर आ जाते हैं, एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। सपोज करो मेरा कोई दोस्त है भाई, मैं कल मेरा एग्जाम है, मैं पेपर नहीं देना चाहता, क्यों भाई? अब मैं वो शेयर ला लूँ ना भाई, यू हैव टू फाइट। आप उसके साथ स्ट्रेस के साथ आप उस स्ट्रेस को अपने दिमाग के ऊपर बोझ मत बनने दो, और दूसरों को हेल्प आउट करें ताकि उनके अंदर भी बोझ ना हो बने, ठीक है। कॉपिंग विद इमोशन, इमोशंस के साथ भी खेलना, कई बार आदमी इमोशनली होकर गलत डिसीजन ले लेता है, तो दैट हैज टू बी आल्सो रिजॉल्व, तो उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि भाई हमने मैंने अपने आप को कैसे वो करना है। अब जैसे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेल्फ, आवर कैरेक्टर और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डिजायर द डिसलाइक्स, रिकॉग्नाइज व्हेन वी आर स्ट्रेस टू अंडर प्रेशर, हमें पहचानना चाहिए कि मैं कब प्रेशर अंडर प्रेशर हूं। प्री रिक्वेस्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है वो ठीक होनी चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए, एज वेल एज डेवलपिंग द एम्पैथी विद द अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ आपकी जो इमोशनल्स है वो भी डेवलप होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पत्थर दिल बन जाओ, तो भी आपको किसी से कोई फर्क ही ना पड़े, तो आप सोसाइटी में बोझ होगे ना। अगर आप अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर अगर आप वो हो कि किसी के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप खुद बोझ हो, ठीक है। तो इसी तरह एम्पैथी की बात कर रहा है वो, एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट लाइफ इज लाइक और अनदर पर्सन, दूसरे के लिए जिंदगी क्या पसंद करती है क्या नहीं करती है। हेल्प अस टू एक्सेप्ट अदर्स, हमें हेल्प करनी चाहिए उनकी कि ताकि वो दूसरों को क्या करें, एक्सेप्ट करें कि भाई नहीं भाई तुम यू आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, यू आर द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, तो आप भी हमारे पास ही आओ, एक दूसरे की हेल्प आउट करो। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, अब ऐसा नहीं कोई ये उखड़ा हुआ है कोई ये उखड़ा हुआ है, कि भाई इनको मोटिवेट करो कि भाई सोशल इंटरेक्शन सबके साथ ठीक होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, कंट्री के लिए काम करना चाहिए, नेशन की डेवलपमेंट के बारे में सोचने के लिए हेल्प आउट करो, उनको बताओ कि भाई ये ऐसा करो। एनकरेज न्यूट्रल पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल टू नीड ऑफ केयर एंड असिस्टेंस और टॉलरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आता है एम्पैथी, अब इंटरपर्सनल स्किल्स है, क्रिएटिव पॉजिटिव विद द पीपल विद इंटरेक्ट विद, हेल्प अस टू रिलेट इन पॉजिटिव वे, मतलब पॉजिटिव वे की तरफ उनको वो करो, मोटिवेट करो विद पीपल विद इंटरेक्ट, ताकि दूसरों के साथ रेगुलरली इंटरेक्शन हो जाए। टू मेक कीप फ्रेंडली रिलेशनशिप यानी कि दोस्ती रखो, दुश्मनी की तरफ हेल्प आउट करो, उनको बताओ कि हाँ भाई ऐसे रहना चाहिए। टू मेंटेन गुड रिलेशन विद फैमिली मेंबर्स हु आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सोशल सपोर्ट, यानी कि ऐसे कहते हैं ना कि भाई गुड रिलेशन की तरफ फैमिली मेंबर्स के, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल ऑफ द सोशल सपोर्ट, यानी कि जो आपको जो सबसे जरूरी है कि जो आपको सोशल सपोर्ट दे रहे हैं भाई, उनके साथ भी आप रिलेशन ठीक रखो, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स के साथ रिलेशन क्यों खराब करें, दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ, रिलेशंस में इधर मामा, तो आप सबके साथ यू हैव टू मोटिवेट करो, सबके साथ रिलेशन ठीक मेंटेन करो, हार्मोनी मेंटेन करो कम्युनिटी के लिए, ताकि वो हेल्प आउट हो सके, सारे खुश हो। कहते ना अभी भी प्रोस्पेरिटी कहाँ दिखती है, अब आप देखकर किसी भी आदमी की आप बोलते हैं कि प्रोस्परस है, प्रोस्परस मीन्स कि भाई वो ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियली प्रोस्परस है, वो हेल्थ वाइज ही प्रोस्परस है, वो अच्छे मूड में रहता है तो वो उसको वो भी प्रोस्परस है, जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है वो भी प्रोस्परस है। तो जो दिखती है उसको हेल्प आउट करो, हाँ भाई तुम कम्युनिटी की हेल्प करो, सोसाइटी को हेल्प आउट करो। एंड एक सेकंड बच्चे, एक मिनट रुको, मैं मिस कर गया कहीं पे। एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बहुत ब्रिलियंट, अच्छा ये उसमें आ गया। एंड एबिलिटी टू एंड रिलेशनशिप कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है। तो अब आप ठीक, नेक्स्ट है आपका एक सेकंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। एबिलिटी टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, हमें अपने आप को, कम्युनिकेशन मीन्स आप एक आदमी दूसरे आदमी के साथ क्या से कम्युनिकेट करता है, उसको गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। दैट शुड बी द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, मे बी एनीथिंग, दैट मे बी रीजनल लैंग्वेजेस भी हो सकती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन आपका, अब मैं अपने आप को ये बताना है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है या हेल्प आउट करना है, कि कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए।
एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ बोथ वर्बली एंड नॉर्मली, बात करते हुए ना भी करते हुए, इन वेज दैट एंड अप्रोप्रिएट टू आवर कल्चर्स एंड सिचुएशंस. अब एक एबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड डिजायर्स एंड आल्सो नीड्स एंड फियर्स. हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि भाई हमने अपनी ओपिनियन भी बतानी चाहिए. मान लो दो आदमी कह रहे हैं कि भाई ये काम ऐसे करना चाहिए. मैं कहता हूं भाई मेरी ओपिनियन है ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसके अंदर उसकी नीड्स क्या है, उसकी डर कौन कौन से है, वो भी सारा एक दूसरे की वो भी एबिलिटी होनी चाहिए. आपके अंदर है तभी आप ट्रांसमिट कर पाओगे दूसरों को. बींग एबल टू आस्क फॉर एडवाइस, यानी कि अगर किसी से राय लेनी है तो आप राय लो. एंड हेल्प इन द टाइम ऑफ द नीड, जब उसको जरूरत हो तब उसकी मदद करो. मान सर एक मिनट. हाँ जी सर. आपके बाद किसका लेक्चर है सर? मुझे नहीं पता. 11 बजे आपके बाद ओवर है, फिर 12 बजे मैडम का, शायद आशा मैडम का. तो मैं वाइंड अप करूं सर? नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैं वही पूछ रहा हूं. बच्चों आपके पास टाइम टेबल है किस किस का आज? यस सर, इलेक्शन प्रोग्राम है सर. इसके बाद वो आदित्य एक्सपर्ट मीटिंग है, बाकी सारे बंद हो जाओ सर. इसके बाद सर, इसके बाद वेबएक्स पे मीटिंग है अभी उसकी. हाँ हाँ, 11 बजे नरेश करो सर. 11 बजे ठीक है, समझ गया. आप वाइंड अप करना सर 11 बजे वेबएक्स पे. मैं सर 10:57 हो गए सर, मैं एक मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ. मैंने मोटा मोटा जो इनको बताना था बता दिया सर. अभी सारा थ्योरेटिकल है, अभी तो 2-4 स्लाइडें बची हुई है बस. ठीक है ठीक है ठीक है. तो क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी जो सोच है वो क्रिएटिव होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एलोब्रेशन होना चाहिए. ठीक है. अब ये रिकैप है, लाइफ स्किल कैन चेंज द इफेक्ट, ये सारा आपके अंदर होना चाहिए. इग्नोरेंस की प्रॉपर्टी, अवेयरनेस, कंसर्न, नॉलेज, मोटिवेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, हैबिट, लाइफस्टाइल. अभी जैसे एक रोल मॉडल इन्होंने दिया हुआ है, गूगल वाला जो ओनर थे इनके, जो वो क्या नाम है, एक्सपायर हो गए हैं, वो एक वो था. अब ये तो चेंज टू डे क्या है कि वर्क करो, घर से करो, खेल लो, अच्छे से नींद लो, ताकि इमोशनली और हेल्थ वाइज आपकी इंप्रूवमेंट हो. ठीक है. फिर ये डिजिटल मीडिया यूजेस है, डीएम कैन चेंज एन इफेक्ट. अगर आप उसको प्रॉपर डिजिटल मीडिया को यूज करते हो तो आप ये सारी चीजें सीख सकते हो. इग्नोरेंस है, अवेयरनेस है, कंसर्न है, नॉलेज है, मूड हैबिट है, एजुकेशन है, लाइफ स्टाइल है. ठीक है. तो मेरी तरफ से बच्चा वाइंड अप है. अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप एक मिनट का टाइम आप लोग पूछ सकते हो मेरे से. सर इसकी पीडी ये सेंड कर देना सर ग्रुप में. चलो ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा. और बताओ सर, ये भी हमें ये किस तरीके से ज्वाइन करना होगा? ये आपको ना आपको एक फॉर्म शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ. आप उस फॉर्म को भर के हमारे पास जमा कराओगे, और क्या नाम है, फिर जिन जिन बच्चों का है उनको सारे को एक क्या नाम, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और फिर कॉलेज जो भी वॉलंटरी वर्क करेगा तो उसमें आप लोगों की हेल्प ली जाएगी. सपोज करो किसी को कोई बच्चे हैं, कोई गांव विलेज अडॉप्ट करना है, किसी स्कूल में जाके पढ़ाना है, कुछ करना है, तो ये सारा पेड़ लगाने हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, और कोई नेशनल डिजास्टर के टाइम पे कोई डोनेशन कलेक्ट करना है, वो सारे आपको कॉलेज के हिसाब से जो जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं या इंडिविजुअल कॉलेज की तरफ से आते हैं, तो वो हम आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और आप लोगों की हेल्प लेते रहेंगे. तो मेरा मकसद ये है कि ऑल ऑफ यू यू हैव टू ज्वाइन. एटलीस्ट आप लोग, आपको हम फॉर्म शेयर करेंगे, आप लोग इसको फॉर्म को भरो और उसको ज्वाइन करो. बिकॉज ये सारा आपका हेल्पफुल होगा कम्युनिटी के लिए भी, आपकी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी, और आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी आपको हेल्प आउट करेगा ये. थैंक यू. अभी रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट जो वॉलंटियर हैं एनएसएस के, उन बच्चों ने लगभग 300 के आसपास हमारे यहाँ पौधे लगाए हैं कॉलेज में, और उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आसपास के हैं, लोकल हैं, और वो अपने पौधों का साथ में देख के भी जाते हैं कि किस तरह से उनकी हालत है, उनको पानी देना है. वैसे तो हमारे यहाँ माली हैं फिर भी, लेकिन बच्चे फिर भी खुद आते हैं. और इससे पहले 2 ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा चुके हैं, बच्चे वॉलंटरली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी के लिए. तो लगभग 1 ब्लड डोनेशन कैंप में हमने 120 के आसपास यूनिट कलेक्ट किया था. तो इस तरह से बच्चे हमारे काफी हेल्पफुल हैं. सर पढ़ाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा बाद में? नहीं नहीं नहीं, ये पढ़ाई के एक्स्ट्रा टाइम में होता है, जब आपको मजे लेने होते हैं ना, मजे वाले टाइम में, समझो स्टडी टाइम का नहीं है ये, वेले टाइम का काम होता है. बट सर अभी आपने बताया कि एनसीसी भी ज्वाइन कर, मतलब कॉलेज एक्सेप्ट करने वाला है, तो ये दोनों एक साथ चल सकते हैं?
वो चलते हैं आपके वीकेंड पे, और जो आपकी वेकेशंस होती हैं छुट्टियां उस तरह के टाइम पे आपके कैंप चलते हैं वो एनसीसी के। जैसे सर एनसीसी का भी वो ये कैंप होते हैं, उसी तरीके से ये एनएसएस के भी कैंप होंगे मेरे ख्याल से शायद। एनएसएस का जो होता है वो एक दिन का ही होता है, ज्यादा दिन का, एक या दो दिन का ही होता है, उससे ज्यादा दिन का नहीं होता कभी। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में ज्वाइन करना? नहीं, वो तो आपको जो फॉर्म देंगे वो हमेशा के लिए थोड़ी देंगे कि भी कभी भी ज्वाइन कर लो। वो आपको रजिस्ट्रेशन होगा, जो जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर मांगे जाएंगे फॉर्म, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। पर समेस्टर एक बार मतलब? हाँ वो तो जैसे भी एनएसएस टीम है हमारे यहाँ पे, वो जैसे भी वो गाइड करेंगे आप लोगों को। सर काफी सारे कॉलेजेस में मतलब यहाँ पे तो हो रहा है ये सब कुछ, तो हमारे इस कॉलेज में कब से स्टार्ट हो जाएगा क्या चीज? ये एनएसएस और एनसीसी वगैरह वाले एनएसएस तो जितने चल ही भी रहा है काम हमारे यहाँ करें? पे। एनसीसी मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, हमारे यहाँ एनसीसी भी आने वाली है। आ भी गई थी हमारे यहाँ, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पेड एनसीसी थी। आप लोगों को पेमेंट देनी पड़ती, लेकिन हम नहीं चाहते कि बच्चों को कुछ पेमेंट देनी पड़े। फ्री वाली एनसीसी हमारे को चाहिए, तो हम उस पे ही कर रहे थे। तो हमारा 95% काम हो चुका है, बस 5% है। जैसे ही हमारे पास परमिशन आ जाएगी हम कैंप लगाने शुरू कर देंगे। ओके सर। मेरा कहने का मतलब था सर जैसे काफी सारे कॉलेजेस हैं मेरे यहाँ पे, YMCA है, ये NSS और NCC वगैरह ये सब के ट्रायल्स वगैरह लेना स्टार्ट कर चुका है, या इन्होंने अपनी वो वही बात सिलेक्शन कर ली कह रहा हूँ, बच्चों का? जो जिनकी आप बात कर रहे हो वहां पे ऑलरेडी एनसीसी और एनएसएस सेटअप है। हमारे एनएसएस तो सेटअप हो गया है, एनसीसी को सेटअप होने के लिए हमारे पास एक परमिशन होती है सरकार की तरफ से। वो परमिशन जैसे ही हमारे को मिल जाएगी हम भी स्टार्ट कर देंगे। तो सर NSS का भी ट्रायल्स होते हैं? नहीं, एनएसएस के ट्रायल्स नहीं होते, उसके फॉर्म होते हैं। सिर्फ फॉर्म निकालते हैं, जो जो बच्चे उसमें वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करेंगे, जो रजिस्टर करेंगे, उनको हम फिर आगे चांस देते हैं। बेटा एक बार है ना भगवान से खत्म हो जाए ना, फिजिकली आने लग जाओ, ठीक है? तो आप लोगों के लिए, आप लोग जब आओगे यहाँ पे फिजिकल आओगे तो आएगा कि क्या क्या करते हैं। सर आवाज कट। सर का कहने का मतलब ये है कि जब आप फिजिकली यहाँ पे आओगे तो सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में बैठ के तो कुछ होगा नहीं। जैसे आप फिजिकल आओगे तो सब कुछ होता है यहाँ पे, हर एक्टिविटी होती है, तो ये भी होंगी। चलो तो आपके 11 बज गए हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू मान सर एंड अदर स्टाफ ओके सर, यूट्यूब पे लाइव थैंक यू कर रहे सर। हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी अब अपना ग्रोवर सर की क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। हेलो मनीष भाई, हेलो हेलो मनीष भाई। हेलो कौन है? भाई, स्टार्टिंग में क्या हेलो बताया था इन लोगों ने? राहुल। अरे राहुल स्टार्ट भाई। हाँ भाई, बोल मैं भी बोल, क्या ठीक हूँ तकलीफ उठ गई तेरे को? भाई 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 से बताया, स्टार्टिंग में क्या बताया था? मेरा डायलॉग मेरे को ही बोल रहा है। हेमल हेमल क्या कह रहा है, तो किसको दर्द देगा बे हेमल? अच्छा भाई माइग्रेशन से रिलेटेड बताया था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे भाई देगा तो वापस उपेंद्र, नहीं मिलेगा। अरे उससे भी नहीं, तो पहले कुछ अरे यार तो नहीं आ कुछ रहा वो, दर्द तो कुछ दोस्ती दर्द कर की लिया बात था मेरे कर को। रहा था। नहीं सुनना, तो कुछ तो कुछ दर्द की बात कर रहा था। अरे साले ते तो जा रे राहुल को रोज दर्द होता है। मैं तेरी बात बहुत नहीं कर रहा था, तेज हो रहे मैं हो, बहुत तेज हो रहे हो। तेरी अभी ये बात हो। केशवानंद कौन है बे? केशवानंद कौन? ये केशवानंद कौन है? मैकेनिकल का हूँ मैं। मैकेनिकल? हेलो सुनो वो भाई जी। मैकेनिकल वाले भी आ रहे क्या? वो मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट है अनंत? अनंत कितने स्टूडेंट है मैकेनिकल में? अरे बताना रे, स्टार्टिंग में क्या बताया था रे? अबे केशव भाई स्टार्टिंग में यही बताया था कि अगर तुमने वो दे दोगे ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो वो तुम्हें वापिस नहीं मिलेगा। अरे कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह का एग्जाम बता रहे थे ना, रूल में क्या होगा तो ज्वाइन किया था का मैंने। बताया था कि 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है, और अगर हेलो री आएगी तो री के अलग से होंगे। सुनो भाई। हेलो। और वो रजिस्ट्रेशन अबे फॉर्म इनसे वगैरह ये का वो पूछना बे, फिल ओए मैकेनिकल करना में कितने बच्चे हैं?
तू अपने इसी एक के देख लेना यार, हमारे में तो बहुत कम है बे, 30 है पड़ोसियों हमारे बस इतने होंगे, 40 होंगे मैक्सिमम भाई। कैसे 40 हो गए उस टाइम पे? नहीं थे जब मैं आया था, मैक्सिमम होंगे 40 जब मैं आया था तब तो नहीं था 40 भाई। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है यार? वो फॉर्म देंगे मैन्युअली होगा भाई वो फॉर्म। चले बोलो दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर ले आगे। सबकी होगी वो तो। आया मेरे को व्हाट्सएप होना पड़ेगा इसमें।